तो स्वागत है आप सभी का। और हमने आपकी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे कल। जो आपका जो चैप्टर चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चैप्टर आपका जो है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन चैप्टर चल रहा है। हमने कहाँ तक कर लिए थे, हम अब इसके आगे से आज शुरुआत करेंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आया, इसलिए मैं वापस से यही चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। इसके 100 क्वेश्चन करेंगे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसके 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपका कल कंप्लीट हो गया था। परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ये याद, परागकण की आंतरिक भित्ति क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी अंतचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। परागकण की आंतरिक भिल्ली को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतचोल। और ये जो है ये किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होगी। ये क्वेश्चन भी याद रखना। परागकण का जीव द्रव्य, परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक तो कायिक कोशिकाएं और एक जनन कोशिकाएं समाहित होती हैं। कायिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिसमें प्रचुर खाद्य भंडारण तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जनन कोशिकाएं होती हैं छोटी हैं तथा कायिक कोशिकाओं के जन तथा कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। यह तुर्क आवृत्ति घने जीव द्रव्य केंद्रक वाला होता है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादप के परागकण इन दो कोशी चरणों में झड़ते हैं और संगलित होते हैं। शेष प्रजातियां में जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणी दो नर युग्मों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों से गर्भ एलर्जी और शोषणी वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालीन श्वसन विकार, दमा, श्वसन शोध आदि के रूप में विकसित होते हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सबसे ज़्यादा हो गई हैं, जो परागकण एलर्जी का कारक है। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। परागकण कैसे भरपूर होते हैं, पोषण से, ठीक है, ये भी याद रखना। हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियां टेबलेट के लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। पश्चिम देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादन गोलियां और सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं। पराग खत्म का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों और धावक अशों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। किसमें, ये जो दवा लेते हैं ना, पराग खपत ये दावा करता है कि यह खिलाड़ी और जो काम करने वाले धावक या अश्व की कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये वाली गोलियां पोलियन और बी पोलन। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो वे अपने जीवन क्षमता खोने से पहले वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हो तो निषेचन करते हैं। अपने विचार में परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, परंतु विविधता पाई जाती है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान के गेहूं में परागकण अपने जीवन क्षमता बहुत जल्दी, लगभग 30 मिनट में ही खो देता है, जबकि गुलाबत, लेग्यूमिनोसी तथा सोलिनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपको शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों का वीर शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजातियों के परागकण को नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडारण की भांति पराग भंडारण के रूप में कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ से जो खास खास है, वतिकाग्र वतिकाग्र अंडाशय पुष्पाशन। चलिए, गुड़हल के एक ये रहने दो, स्त्री केसर, गुरु बीजाणु तथा भ्रूणकोश। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंड का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग और स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित हो सकते हैं या फिर से आपस में स्वतंत्र। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, प्रत्येक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वतिकाग्र, वतिकाग्र और अंडाशय। इस
वर्तिकाग्र परागकण के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिकाग्र एक दीर्घकृति पतला भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होता है। आप कक्षा 11वीं में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एक प्रकार का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी सामान्य बीजांड कहलाते हैं और अंडाशय में बीजांड की संख्या एक से लेकर अनेक तक हो जाती है। गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। आइए एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड को संरचना से परिचित होते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक व्रत या डंठल जिसे बीजांड व्रत कहते हैं इसके द्वारा अपरा से जुड़ी होती। बीजांड की काया बीजांड व्रत के साथ नाभिक नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिक बीजांड और बीजांड के साथ बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होता है। यह अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वारा नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजावरण को चारों तरफ से घेरता है। बीजांड द्वारा सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो बीजांड के आभारी पर करता है। यहाँ पर ये वाला देख लेते। गुरु बीजाणु हरिजन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बीजांड काय के बीजांड द्वारा क्षेत्र में विलग्न होते हैं। ये एक बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो सघन जीवद्रव्य में समाहित और सुस्पष्ट केंद्र युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप चार गुरु बीजाणु धानी का उत्पादन होता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने कर लिया। स्त्री युग्मकविद। अधिकांश पुष्पी पादों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य तीन अभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकविद के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकविद की सूत्र गुणता क्या होगी? भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकी बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड भ्रूण कोशिकाओं की रचना करते हैं। दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकी विभाजन के परिणाम स्वरूप चार केंद्रीय न्यूक्लियोटाइड और आठ केंद्रकीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्र विभाजन सही अर्थ से मुक्त केंद्र हैं जो केंद्रकी विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं है जो विशिष्ट मादा युग्मकविद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती हैं। भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं का अवलोकन कीजिए। आठ में से छः न्यूक्लियक भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है। भ्रूण कोश कितने? आठ में से छः भित्ति से घिरा हुआ आता है और कोशिकाओं में संयोजित रहता है। शेष बचे दो न्यूक्लियक ध्रुवीय न्यूक्लियक कहलाते हैं जो अंड। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। भ्रूण कोश मादा युग्मकविद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती हैं। ये कितने? ये छः न्यूक्लियोटाइड से घिरे होते हैं। टोटल होते हैं आठ और घिरे कितने से होते हैं? छः से। ये वाला क्वेश्चन याद रखना। छः कोशिकाओं से घिरे रहते हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे दो न्यूक्लियक ध्रुवीय न्यूक्लियाइड कहलाते हैं और अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिकाओं में स्थित होते हैं। चलिए हाँ ये इतना कर लेते। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्ट पूर्ण होता है। बीजांड द्वारे सिरे पर तीन कोशिकाएं एक साथ समूहित होकर अंड उपकरण या समूचे का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत दो सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिकाएं निहित होती हैं। बीजांड द्वार जो होता है बीजांड द्वारा छोर जिसके तंतु रूप समूचे करते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं का दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीन अन्य कोशिकाएँ छोर पर रहती हैं एंटीपोल कहलाती है। जो कोशिकाएं छोर पर रहती हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोल। वृहत केंद्रीय कोशिकाएं जैसा कि पहले बताया गया है कि दो ध्रुवीय न्यूक्लियक होती हैं। इस प्रकार से एक रूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर आठ न्यूक्लियकृत वस्तु तो सात कोशिकी होंगी। ठीक है, ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करेंगे परागकण कल। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। ये चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, इसमें से जो वन लाइन फैक्ट हैं वो आपको याद होते रहेंगे। इसके अलावा मैं कल से ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद 150 क्वेश्चन लाइव कराऊंगा। ये ANM और PNST और NEET ये सभी के लिए हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। धन्यवाद।